मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम। कम इन द वॉर। अल्लाह भी कहता है इन्ना का रब्बी का कदन फमुला की। ए इंसान, हम जानते हैं कि ये जिंदगी तेरे लिए बहुत तकलीफ थी। अनदेखे अल्लाह, अनदेखे मिरेकल्स, अनदेखे मौजों के लिए वो तहरीक ही क्या है जिसे 300 लोग ही मिले सिर्फ 13 साल में। 300 लोग कायनात की अजीम तरीन हस्ती को उस लम्हे का मिले भी तो लड़के मिले औज़ और खसरज के। बड़े बड़े कबीलों ने अलहदा कीमत वो जिंदगी क्या जिसमें कीमतें ना लगाई जाए आपकी। वो जिंदगी क्या जहाँ आपके बिकने का इंतजार ना कर रहे हो लोग। वो जिंदगी क्या जहाँ टूटने का इंतजार ना कर रहे हो आपके वो लोग। इसी सिलसिले के अंदर भाईजान, एक जर्रा बनता है इंसान का, ये जर्रे से पहाड़ का सफर। ये इसलिए मुश्किल और अच्छा सफर है क्योंकि साहिल पे बैठ के काश अगर मगर चूंके चुनाचे की जिंदगी एक इंसान को जेब नहीं देती। कुछ रूहें कभी भी तकलील और तकफीफ और किल्लत के अंदर डब्बों में नहीं बंद की जाती। वो कभी भी साहिल पे मुकैद नहीं हो सकता। दे वर मेंट टू एंटर स्टॉर्म्स। जी भी नहीं सकता आदमी उसमें बैठ के। तो कुएं में बैठ के चाय के ढाबों पे अगर काश अगर मगर की जिंदगी जीनी है फैसला आपका है। मैदान मैदान तो वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम। कम इन द वॉर। इतना बड़ा जिगर दिया अल्लाह ने तुझे और तूने अठन्नी चवन्नी के हवाले करके बेच दिया। कम इन द वॉर। अपने आप से जंग का ऐलान करें। मैदान में आए, टूट गया फिर भी कुछ नहीं होगा। अगर निकल गया गेम फिर लंबी। विल प्ले फॉर द मोर। जहां तक जाएगी हम भी देखते रहेंगे भाई यहां तक का था ये। और अल्लाह तुझे वाकई वहां तक लेके जाए कि आप पीछे मुड़ के देखें तो आपके पास यादें हों यार के कहां से शुरू किया था हमने और अल्लाह हमें कहां तक लेके। और वहां पहुंचने के बाद भी एंड में क्या करना है? तंग करना है। कैसे तंग करना है? दे देना सब। बोले मैं इसके लिए नहीं आया था। आई डिड इट। मैं अपनी सक्सेस फाइल करता हूँ। मैं ये हैंड ओवर करता हूँ। मैं इस चीज का मोहताज नहीं था। आई वॉन्टेड अ गुड एडवेंचर इन लाइफ एंड आई वॉन्टेड एन एडवेंचर फॉर अल्लाह इन लाइफ एंड आई प्लेड इट वेल एंड आई डिड इट गॉड। अल्लाह हेल्प मी। ये बनाया ये आपका। अब नया इश्क, नया जुनून, नया दुश्मन, नया पंगे चलते रहेंगे। जिस उम्र जिस जिंदगी को दुश्मन ना मिले ये भी कोई जिंदगी है और जिस जिंदगी को सिर्फ दोस्त मिले ये भी कोई जिंदगी। जिंदगी तो वो है जो दुश्मनियों से शुरुआत हो और सजनों पर खत्म हो जाए। सारी दुश्मनियां दोस्त बन जाए या फिर स्टेप डाउन करके अल्फा वुल्फ कंसिडर करें उसको। ही इज अनबीटेबल। क्यों? आप उसको कैसे हराएंगे जो पहले ही हार के आया आपके सामने? कैसे उसको हराया जाएगा जो शिकस्त अपनी क्वांटिफाई करके आया हुआ? मैं अपनी हार आपके सामने लेके बैठा हुआ हूं। क्या हराएंगे आप एक मरे हुए को? जब मैं अपनी पूरी मौत अपने अंदर क्वांटिफाई करके आया हूं क्या मारेंगे आप उसको? इसलिए मौत से डरना बंद कर। स्टॉप बींग स्केर्ड ऑफ डाइंग। यू हैव टू डाई वन डे। फिर जिंदगी जीने का मजा है ना जब मौत का डर नहीं हो इंसान। मरना तो है। अल्लाह के उसूलों को पक्का रख। जमीनों पे सियासतों को गर्म रख और तंग कर लोगों को पॉजिटिविटी के लिए। जीना हराम कर सिस्टम का पॉजिटिविटी के लिए। लोग बोले सोते हुए कि यार क्या कह गए ये लोग, क्या बात कर गए आज ये लोग, क्या कह क्या दे गया ये मुझे आज। मैं गिरा नहीं सका इसको महफिल के अंदर अपनी चीप छिचोरी हरकतों से, म्यार से गिरी हुई हरकतों से मैं उसे गिरा नहीं सका। इतना बड़ा म्यार सेट कर कि तुझे मारने के लिए एक म्यार बनाना पड़े उन्हें। Be a standard that standards have to change themselves into your standard.